खाली मटकों को घर में रखने का कोई फायदा नहीं है। खाली मटके आज दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। ये हमने अपना संकेत दिया है कि खाली मटके दिल्ली की जनता नहीं चाहती है, दिल्ली की जनता इनमें पानी चाहती है। और जिस तरह से दिल्ली में पानी को लेकर राजनीति हो रही है, राजनीति करने की बजाय दिल्ली सरकार को एक्शन प्लान बनाकर रोड पर उतरकर अपने अधिकारियों के साथ लीकेज को रोकना चाहिए, एसटीपी प्लांट को पूरी क्षमता से काम करना चाहिए, और बजाय कि वो झूठी राजनीति के अधिकारियों से काम ले और इन मटकों में पानी भरे। अभी आप लोगों का नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या है? पानी की तो लगातार कमी देखी जा रही है। हम लगातार क्षेत्र के अंदर विजिट कर रहे हैं, जहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है कि पानी की समस्या पानी की लीकेज की वजह से है, हम कंप्लेंट कर रहे हैं, हम दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बता रहे हैं इस लीकेज को रोका जाए। और लगातार टैंकर माफिया के ऊपर भी हम अपनी नज़र रख रहे हैं कि दिल्ली के जनता को जब तक कमी है तब तक पानी उस रेट पर मिले जो कि सरकारी रेट है, पानी प्राइवेट रेट में महंगा ना बेचा जाए। दिल्ली सरकार के जो लोग हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर मिलने के लिए गए हैं, वोटर मिनिस्ट्री में गए हैं, कहीं ना कहीं वो ये भी दरख्वास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पानी छोड़ा जाए, सीआर पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ बेहतर करे उनके लिए। हरियाणा से मुनक नहर में जितना पानी आना चाहिए उतना पानी पूरा आ रहा है, और इस बात का उदाहरण इस बात से भी है कि उन्होंने कहा है कि अतिरिक्त पानी दिया जाए। हर स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट है, कोई भी अपनी स्टेट के पानी के हिस्से को काटकर अतिरिक्त पानी देने की इस गर्मी में स्थिति में नहीं है। आज सीआर पाटिल जी से मिलने की बजाय दिल्ली सरकार को यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, क्योंकि कोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर आपके पास कोई प्लान बनाना है तो यमुना रिवर बोर्ड के साथ बैठकर प्लान बनाइए कि एसटीपी प्लांट पूरी क्षमता से काम करे और जितने भी लीकेज हैं उनको रोकने के ऊपर काम हो, यमुना का पानी ज़्यादा से ज़्यादा साफ हो। तो यमुना रिवर बोर्ड जो कि उनका अपना बोर्ड है, उनके दिल्ली जल बोर्ड जिससे आराम से बात कर सकता है, वहाँ बात ना करके अगर वो केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब है वो दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। प्रोटेस्ट कितना और कितने समय तक आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, हम सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम दिल्ली की जनता के लिए ये भी काम कर रहे हैं कि हम रोड पर उतर कर जहाँ पर भी लीकेज है उनको भी रिपोर्ट कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, पानी टैंकर किस तरह से अवेलेबल हो उस पर भी कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारी समस्या जब तक रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना घर छोड़कर जनता की सेवा में काम करेंगे। क्योंकि अब महिला भी है, महिला के तौर पर भी आपको परेशानी हो रही, किचन की समस्या आपको भी दिखाई देती होगी। किचन बाथरूम दो चीजें ऐसी हैं जिनमें पानी के बिना काम नहीं चलता, फैमिली डिस्टर्ब है, फैमिली में एक अगर मैं ये कहूँ कि वो टेंशन में है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बोरिंग दिल्ली में अलाउड नहीं है, पानी कहीं से भी आ नहीं रहा है, तो परिवारों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो दिल्ली की राजधानी जो भारत की राजधानी उसमें रह रहे हैं या कहां पर रह रहे हैं। और दिल्ली की जनता आज दिल्ली सरकार की तरह जब देख रही है तो दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है।